जय हिंद, कैसे हो आप लोग। फिर से मैं लेकर के आ गया हूँ एक नया वीडियो। स्वागत है आपका इस वीडियो में। सबसे पहले आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारी खुशी दोगुनी हो जाती है। क्यों? क्योंकि कल इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था, इससे हमारी खुशी और डबल हो जाती है। दिवाली का त्यौहार और ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। तो दिवाली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली मनाइए आप अच्छी तरह से, और साथ में पढ़ाई भी जारी रखिए। आपका एग्जाम नज़दीक आने वाला है, इसलिए पढ़ाई कंटिन्यू रहना चाहिए। तो आज के वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो है फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि बिहार बोर्ड के आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 12th के लिए होने वाला है, और इसमें 20 क्वेश्चन देखेंगे, और 20 में से आपको कम से कम 10 प्लस सही आंसर सोचना है। तो कम से कम आपको 10 प्लस क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। यदि नहीं आता है तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन सबको आप याद कीजिए। ठीक है, तो करते हैं वीडियो का शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1 है, अपचाही ट्रांसफर में कौन सी राशि घटती है। दो तरह का ट्रांसफार्मर होता है, अपचाही और उपचाई। तो अपचाही ट्रांसफर की कौन सी राशि घटती है, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है वोल्टेज, ऑप्शन बी है धारा, धारा यानी कि विद्युत धारा, और सी आवृत्ति, और डी शक्ति। कौन सा होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए विद्युत धारिता, ऑप्शन बी विद्युत विभव, ऑप्शन सी विद्युतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी विद्युत फ्लक्स। कौन सा होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है विद्युतीय क्षेत्र। ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। यह भी क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए है पहले घटता है फिर बढ़ता है, ऑप्शन बी स्थिर रहता है यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन सी सिर्फ बढ़ता है, ऑप्शन डी सिर्फ घटता है। तो इसका कौन सा सही आंसर होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घटता है। 4 नंबर क्वेश्चन, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। 2019 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी अनंत, ऑप्शन डी कम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0, आदर्श एमिटर का प्रतिरोध 0 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो यानी कि उपस्थित हो, तब उस कंडीशन में क्या होता है। ऑप्शन ए संवेग की दिशा बदलती रहती है, ऑप्शन बी कण की गतिज ऊर्जा बदलती रहती है, ऑप्शन सी कण के वेग का परिमाण बदलता रहता है, ऑप्शन डी वेग अचर रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेग अचर रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, लोहा क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए लोह चुंबकीय, ऑप्शन बी अनुचुंबकीय, ऑप्शन सी अचुंबकीय, ऑप्शन डी प्रतिचुंबकीय। तो नाम से भी स्पष्ट है क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए लोह चुंबकीय। 7 नंबर क्वेश्चन, आवेशित संधारित्र
पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए अनंत, ऑप्शन बी 1 कूलम्ब, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 1 माइक्रो कूलम्ब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0। आठ नंबर क्वेश्चन, आदर्श एमिटर का प्रतिरोध कितना होता है? क्वेश्चन एक बार 2020 में शायद पूछा हुआ था पीछे, और ये 2022 में भी पूछा गया, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 100 ओम, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी 50 ओम, ऑप्शन डी 0। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 0। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए वाट, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी टेस्ला, ऑप्शन डी जूल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर। 10 नंबर क्वेश्चन, जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है तब? ऑप्शन ए संवेग की दिशा बदलती रहती है, ऑप्शन बी कण के वेग का परिमाण बदलता रहता है, ऑप्शन सी वेग अचर रहता है, ऑप्शन डी कण की गतिज ऊर्जा बदलती रहती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेग अचर रहता है। 11 नंबर क्वेश्चन, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब कि क्या तरीका है कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदला जाए? ऑप्शन नंबर ए श्रेणी में निम्न प्रतिरोध जोड़कर, ऑप्शन बी समांतर में निम्न प्रतिरोध जोड़कर, ऑप्शन सी समांतर में उच्च प्रतिरोध जोड़कर, ऑप्शन डी श्रेणी में उच्च प्रतिरोध जोड़कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्रेणी में उच्च प्रतिरोध जोड़कर, श्रेणी यानी कि श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए केवल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन बी केवल विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि विद्युत भी रहता है और चुंबकीय भी रहता है। 13 नंबर क्वेश्चन, जब किसी एमिटर को संट किया जाता है तो इसकी माप सीमा, ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, ऑप्शन बी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन सी घटता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, संट करने पर माप सीमा बढ़ता है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, मतलब जब आवेश गति में रहता है तो क्या उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए केवल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन बी केवल विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी दोनों, यानी कि विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। 15 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है? और चुंबकीय प्रेरण का जो एसआई मात्रक होता है वही चुंबकीय क्षेत्र का भी एसआई मात्रक होता है, इसलिए उसको साथ में लिख दिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टेस्ला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी 0.5,
ऑप्शन डी शून्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शून्य। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र प्रावल्य का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए एम्पियर इंटू मीटर, ऑप्शन बी एम्पियर इंटू मीटर बट न्यूटन, ऑप्शन सी न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ऑप्शन डी न्यूटन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम्पियर मीटर। क्वेश्चन नंबर 18, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किए गए कार्य का मान कितना होता है? ऑप्शन ए W इक्वल टू एम बी इंटू वन माइनस साइन थीटा, W इक्वल टू एम बी कॉस थीटा, W इक्वल टू एम बी इंटू वन माइनस कॉस थीटा, W इक्वल टू एम बी साइन थीटा। कौन सा सही आंसर होगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी W इक्वल टू एम बी इंटू वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन, नमन कोण का मान पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर कितना होता है? यानी कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान बताना है कि कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री, ऑप्शन सी 0 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री होता है इसका मान। लास्ट क्वेश्चन 20वां नंबर, निकेल का चुंबकीय गुण होता है, लोहा में तो बता दिए थे नाम से कि लोह चुंबक है, इसमें कैसे होगा? ऑप्शन नंबर ए लोह चुंबक है, ऑप्शन बी प्रति चुंबक है, ऑप्शन सी अनुचुंबक है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निकेल भी लोह चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, और यदि हमारे साथ आप इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आलोक ऑफिशियल 02 सर्च कीजिए, और टेलीग्राम पे तो आप जरूर जुड़िए क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन भी अब करवाया जाएगा, यानी कि आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, वीकली टेस्ट वहाँ पे इंस्टाग्राम पे लिया जाएगा। आलोक ऑफिशियल 02 से आप जुड़ सकते हैं, या तो आपको कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक। और यदि आप वेबसाइट के माध्यम से पढ़ाई करना चाहते हैं तो सर्च कीजिए alokofficial.com। ठीक है, और वहाँ पे सारा विषय का आपको कंटेंट मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंट टॉपिक सब भी साथ में मिलेगा, तो वहाँ पे तैयारी आप बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।